हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, 22 अक्टूबर का करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश के द्वारा। सेकेंड है, किस लिमिटेड ग्रुप ने एडवांस 5 नैनोमीटर तकनीकी के आधार पर एक नई सर्वर चिप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड। यह चीन के सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भर में एक मील का पत्थर है। इस न्यूनतम चिप को सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के द्वारा प्रदान किया गया और माइक्रो आर्किटेक्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस चिप का प्रयोग अलीबाबा ग्रुप इकोसिस्टम के वर्तमान भविष्य के व्यापारियों के समर्थन के लिए किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, जे नेक्स्ट डोमेस्टिक नेटवर्क पहल क्या है? तो इस पहल में भारत 35 वर्ष से कम आयु के नेताओं को मेजबानी करेगी। यह कार्यक्रम नवंबर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्घाटन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा। और यह बनाया गया किसके थ्रू बनाया गया? यह भारतीय संस्कृति संबंधी परिषद ICCI के द्वारा बनाया गया है। 75 विभिन्न लोकतंत्र युवाओं को नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। इस उद्घाटन में शामिल बांग्लादेश, चिली, इंडोनेशिया, जापान और जाम्बिया जैसे देशों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि इस आयोजन के द्वारा 75 लोकतंत्रों के अगले पीढ़ी को नेताओं के साथ संबंध बनाने की कोशिश की जाएगी। फोर्थ है, आधार हैकाथॉन 2021 की मेजबानी करने जा रहा है। यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा मेजबानी की जाएगी। यह 28 अक्टूबर से शुरू होगा, 31 अक्टूबर को समाप्त किया जाएगा। आधार की टीम के द्वारा आयोजित किया जाने वाला यह पहला इवेंट होगा। थीम की बात करें तो दो विषयों पर आधारित है। एक तो है एनवायरनमेंट एंड अपडेट, दूसरा है आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन पे। बात करते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की। तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 2016 में की गई थी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यह भारत के निवासियों के आधार नामक विशिष्ट संख्या को जारी करने के लिए बनाया गया था। फिफ्थ है, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में ला लोरिया या काइंग रूम स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेन के प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। सिक्स है, किस फर्म ने भारतीय नौसेना को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I की आपूर्ति की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोइंग। भारतीय नौसेना को बोइंग से अपना 11th P-8I लंबी दूरी समुद्री गश्ती विमान प्राप्त हुआ है। सेकेंड पॉइंट है, नौसेना ने बोइंग से दो बेंचों में 12P-8I के अनुबंध में हस्ताक्षर किया। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में इंटीग्रेटेड अनमैनड रोड मैप फॉर इंडिया ने भी लॉन्च किया है। सेवेंथ है एलियन नेगियम, जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोजा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। 2019 में खोजा गया था पौधे एलियन नेगियन को हाल ही में फाइटोकीज नामक पत्रिका में एलियन की एक नई प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नेचफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। यह नेचफू दर्रे के पास 500 मीटर लंबे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सैन्य वाहनों को लगने वाला समय को कम करना तथा ये नेचफू सुरंग 5,600 फीट की ऊंचाई पे निर्माण किया जा रहा है। नाइन्थ है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, इसमें कितने पूर्णकालीन सदस्य शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोव पटिका का अनावरण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। ये 1958 में जयप्रकाश नारायण की इजराइल यात्रा की स्मृति के रूप में किया गया।